नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विभाग भर्ती के लिए की गई आवेदन की मांग। बिहार योजना और विकास विभाग भर्ती 2020 के लिए योजना और विकास विभाग ने विभिन्न पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना पढ़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के हिसाब से आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी गई है, जिसके लिए अब सभी उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए planning.bih.nic.in पर जाकर 5 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले के पर्यटन स्थल बराबर हिल गुफाओं में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बराबर हिल गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं, जो मौर्य समाज से हैं। कुछ अशोकन शिलालेख के साथ है और जो जहानाबाद जिले बिहार के मखदूमपुर क्षेत्र में स्थित है। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुन 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। 1.6 किलोमीटर की गुफाएं वाले नागार्जुन हिल को कभी कभी नागार्जुन गुफाओं के रूप में भी देखा जाता है। ये रॉक कट चैम्बर बराबर समूह के लिए राजा पियादासी और नागार्जुन समूह के लिए देवनामपिया दशरथ के नाम पर समर्पित शिलालेख है, जो मौर्य काल के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए सोचा गया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और शाहनवाज हुसैन आए कोरोना की चपेट में। आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, वहीं तैयारियां भी जोर शोर से जारी है। इसके तहत चुनाव प्रचार करने के लिए कई स्टार प्रचारक को भी मैदान में उतार दिया गया था, जिनमें से 2 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसकी पुष्टि इन दोनों नेताओं ने बीते दिन साझा की है। इतना ही नहीं, सुशील कुमार मोदी को बीते दिन एम्स में भर्ती भी कर दिया गया है। बिहार मदरसा वास्तारा वास्तानिया फोकानिया और मौलवी परीक्षा 2021 का फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी आगे। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने वास्तानिया फोकानिया और मौलवी 2021 के परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ा दी है, जिसके तहत अब इस तारीख को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। बिना विलंब शुल्क के इस नई तारीख को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। विलंब शुल्क के साथ सभी परीक्षार्थियों को ₹50 देने होंगे। बिहार में कोरोना के फिर मिले 1058 नए मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1058 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 209,296 पर हो गई है। अगर प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 26, अरवल में 8, औरंगाबाद में 19, बांका में 12, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 45, भोजपुर में 16, बक्सर में 7, दरभंगा में 11, पूर्वी चंपारण में 27, गया में 42, गोपालगंज में 38, जमुई में 7, जहानाबाद में 20, कैमूर में 5, कटिहार में 27, खगड़िया में 4, किशनगंज में 17, लखीसराय में 11, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 42, मुंगेर में 28, मुजफ्फरपुर में 66, नालंदा में 22, नवादा में 28, पटना में 256, पूर्णिया में 38, रोहतास में 20, सहरसा में 38, समस्तीपुर में 26, सारण में 25, शेखपुरा में 12, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 11, सुपौल में 29, वैशाली में 14, पश्चिम चंपारण में 1। वहीं ठीक होने वाले की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के माने तो बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,97,193 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 1,026 लोगों की जान जा चुकी है। 7 निश्चय में जांच करवाकर लापरवाह लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की चिराग ने कही बात। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, साथ ही राज्य की राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी बोलते नजर आए हैं। इसी क्रम में चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश सरकार का ईमानदार होना जरूरी होता है। पिछले 5 साल में आदरणीय नीतीश जी के राज में अफसरशाही और 7 निश्चय में सिर्फ घोटाले हुए हैं। चुनाव के बाद सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटालों की जांच करवाऊंगा और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजूंगा। पटना से बक्सर और मोकामा के लिए शुरू हुई मेमू ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पटना से बक्सर और मोकामा के बीच सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बीते दिन से 2 नई मेमू ट्रेनों का परिचालन शुरू करवा दिया गया है। इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके तहत बिना मास्क के किसी भी यात्री को ट्रेन में सफर नहीं करने दिया जाएगा। इसकी जानकारी ECR के CPRO राजेश कुमार ने दे दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पटना और बक्सर एवं मोकामा और दानापुर के बीच एक एक जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जाना है। रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेन चलाने से त्योहारी सीजन में आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
पुलिस एसोसिएशन ने चुनाव आयोग के नाम जारी किया पत्र। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के आयोजन को लेकर मतदान में अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सरकार बनाने का काम करेगी। हालांकि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी चुनाव के समय लगाई जाती है, जिससे अधिकतर बार कई पुलिसकर्मी मताधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसी को लेकर बीते दिन बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने चुनाव में व्यस्त पुलिसकर्मियों के मताधिकार का प्रयोग करने के लिए समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। जदयू ने भी जारी किया अपना चुनावी मैनिफेस्टो। पहले चरण के लिए मतदान में बस अब कुछ ही समय बच गए हैं। वहीं चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। इसी क्रम में जदयू ने भी बीते दिन अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है, जिसको बिहार जदयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने जारी किया था। जदयू की तरफ से जारी किए गए घोषणा पत्र में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने का वादा किया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे इंद्रदीप सिन्हा की। इंद्रदीप सिन्हा एक स्वतंत्रता सेनानी और अनुभवी कम्युनिस्ट नेता थे। उनका जन्म जुलाई 1914 में भारत के बिहार के वर्तमान सिवान जिले के शकरा गांव में हुआ था। उन्होंने 1938 में पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक कोर में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उन्होंने लगभग 25 किताबें भी लिखी थी। उन्होंने राष्ट्र की राजनीतिक स्वतंत्रता और अपने लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए लड़कर लोगों की सेवा करने का विकल्प चुना था। पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक कोर की डिग्री और एक स्वर्ण पदक के साथ सिन्हा 1940 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और राज्य सचिव के रूप में पार्टी की सेवा की। एक व्याख्याता और पत्रकार सिन्हा 1962 से 1967 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य परिषद के सचिव थे और उन्होंने 1973 से 1990 के दशक तक अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के रूप में काम किया था। सिन्हा हुंकार, जनशक्ति और न्यूज वीकलीज के संपादक भी थे। भाजपा ने बिहार में मुफ्त टीकाकरण का किया वादा। विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, वहीं चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अब तक कई जनसभाओं का आयोजन भी करवाया जा चुका है। इसी बीच लगभग सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में भाजपा ने भी बीते दिन अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजधानी पटना में विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया था, जहां उन्होंने भाजपा के 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प को जारी किया है। आपको बता दें कि मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं। इसमें सबसे पहला है, अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख नौकरी देने का भी वादा किया है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए मतदान खत्म। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला पेटी में बंद कर दिया गया है। बीते दिन बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर मतदान करवाया गया। चुनाव का आयोजन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करवाया गया था। मसौढ़ी अनुमंडल के 3 प्रखंडों में बने मतदान केंद्रों में वोटिंग करवाई गई, जहां स्नातक 50.33% और शिक्षक के 62.43% वोटिंग की गई थी। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल का पालन सही ढंग से करवाया गया था। लड़की के साथ साथ अब लड़कों को भी नीतीश सरकार देगी पैसा। बिहार में चुनावी मौसम है, ऐसे में घोषणाओं की बहार देखने को मिल रही है। हर राजनीतिक दल अपने वोटर को लुभाने की कोशिश में दिख रहा है। इसी क्रम में नीतीश सरकार ने जहां पहले ही लड़कियों को इंटर करने पर 25,000 और स्नातक करने पर 50,000 देती आई है, वहीं अब इस सूची में सरकार ने लड़कों को भी जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान के दरौंदा में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान लड़कियों के साथ साथ अब लड़कों को भी इंटर पास करने पर 25,000 और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये दिए जाने का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में फेसबुक हुई सक्रिय। बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले पोस्ट अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं, वहीं अब बिहार चुनाव में फेसबुक अहम भूमिका निभाने वाली है। फेसबुक के चुनाव विंग की भारत और दक्षिण एशिया के प्रमुख नताशा जोंग ने बताया है कि बिहार चुनाव कोरोना माहौल में आयोजित करवाया जा रहा है। इसमें मतदान पर सीधा सीधा असर चुनाव पर होने की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी कोई भी भ्रामक जानकारी फेसबुक अपनी तरफ से साझा नहीं करेगा। ऐसे मामलों में पोस्ट शेयर करने की अनुमति नहीं देगा जिसमें मतदान पर सीधा असर पड़े। जैसे यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि कोविड-19 को लेकर चिंतित हूं और इसलिए मतदान करने नहीं जा रहा हूं, या ईवीएम सैनिटाइज नहीं है इसलिए मैं उसका उपयोग करने का जोखिम नहीं उठाऊंगा, ऐसे पोस्ट को फेसबुक अनुमति नहीं देगा।
प्री कोरोना वैक्सीन को लेकर चुनाव आयोग में दर्ज हुई शिकायत। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीते दिन अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया था। वहीं मैनिफेस्टो के जारी होते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा के इस ऐलान के बाद विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। वहीं अब भाजपा के बयान ने पार्टी को ही मुश्किल में डाल दिया है। भाजपा के इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है। साकेत गोखले की शिकायत में यह बात कही गई है कि भाजपा का वैक्सीन उपलब्ध करवाने का दावा चुनाव के दौरान करना केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। प्रधानमंत्री की रैली से पहले कांग्रेस ने पूछे सवाल। आज प्रधानमंत्री की रैली का आयोजन करवाया जाना है। वहीं रैली से पहले कांग्रेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक के बाद एक कई सवाल पूछे हैं, जिसके तहत कांग्रेस की तरफ से पहले तो भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का संकल्प पत्र करार कर दिया गया है। साथ ही महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कई सवाल भी पूछे, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र कूड़ा पत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उसका क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? एक केंद्रीय मंत्री ने तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात को खारिज कर दिया है, यह अपमानजनक है। और नीतीश कुमार को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ओवैसी ने कांग्रेस और राजद को बताया क्षमताहीन। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। वहीं चुनाव को लेकर बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में AIMIM प्रमुख ओवैसी ने भी अपना आधिकारिक बयान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने राजद और कांग्रेस को क्षमताहीन करार कर दिया है। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि दोनों दलों के पास ईमानदारी नहीं है और न ही भाजपा पर लगाने के लिए कोई बड़ा आरोप है। वहीं राजद और कांग्रेस के पास ना तो मिशन है और न ही कोई विजन है। राजद और कांग्रेस ने कभी भी बिहार की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली का कोई मुद्दा नहीं उठाया। नीतीश कुमार के बयान के बाद भड़के चिराग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से रामविलास पासवान के गुजर जाने पर राजनीति करने के बयान के बाद चिराग पासवान काफी भड़के नजर आए, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपने संबोधन में नवादा जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार को निशाने पर लिया, जहां उन्होंने कहा कि यह बयान से अत्यंत वो दुखी है। अभी पिताजी को गुजरे हुए कुछ वक्त ही हुआ है और लोगों के सामने मजबूती से आने के लिए मैं हिम्मत जुटाकर आया हूं। लोगों को कम से कम इतना तो श्रेय देना चाहिए कि 38 साल का एक अकेला नवयुवक अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया है, और किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि वो अकेले मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। नीतीश कुमार को हिम्मत करनी चाहिए और अकेले चुनावी रण में उतरना चाहिए। भाजपा के मैनिफेस्टो में फ्री टीकाकरण पर तेजस्वी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जहां महागठबंधन की तरफ से 10 लाख नौकरी मुहैया करवाने का वादा नेताओं को अनपच कर रहा था, वहीं अब बीते दिन भाजपा की तरफ से बिहार में चुनाव जीतने पर मुफ्त टीकाकरण की बात विपक्षियों को रास नहीं आ रही है। इसी क्रम में भाजपा के इस घोषणा पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि देश का टीका देश का है, भाजपा का नहीं। टीका का राजनीति इस्तेमाल दिखता है कि इनके पास बीमारी और जान गंवाने के ख्याल को बेचने के अलावा कुछ नहीं बचा है। बिहार स्वाभिमानी है, चंद पैसों में अपना और अपने परिवार का भविष्य दांव पर नहीं लगाएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा के इस ऐलान पर टिप्पणी की है, जिसके तहत कांग्रेस ने पूछा कि क्या निर्मला सीतारमण यह सुझाव दे रही हैं कि अन्य राज्यों के नागरिकों को वैक्सीन के लिए भुगतान करना होगा? क्या भाजपा सरकार भारतीय नागरिकों को अपनी जान बचाने के लिए भुगतान करने जा रही है? क्या भाजपा सरकार में लोग अपनी जान बचाने के लिए पैसे देंगे? प्रधानमंत्री मोदी आज सासाराम से करेंगे जनसभा की शुरुआत। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के सामने एनडीए के पक्ष को साफ रखने के लिए, साथ ही एनडीए के पक्ष में वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार की धरती पर पहुंचने वाले हैं, जहां वो अपने जनसभा की शुरुआत सासाराम जिले से करने वाले हैं। पहले दिन यानी कि आज रैलियों का आयोजन करवाया जाना है। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। राज्य के अंदर कुल 13 रैलियों में वो शामिल होंगे। पहले दिन सासाराम, गया और भागलपुर में इनकी रैलियां होनी है। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी सभा होगी। इसके बाद 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में, जबकि 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया जिला में होने वाली रैलियों में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। राहुल गांधी आज हिसुआ और कहलगांव से भरेंगे चुनावी हुंकार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में बस कुछ ही दिन बच गए हैं। वहीं वोटिंग को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार में तेजी ला दी है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बिहार में आज हुंकार भरने वाले हैं, वहीं इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज से जनसभा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके तहत आज राहुल गांधी अपने जनसभा की शुरुआत हिसुआ और कहलगांव से करेंगे, जिसकी जानकारी बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बीते दिन ट्वीट करके दी है, जहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की जनसभा में आप सभी सादर आमंत्रित है।
मोहम्मद सिराज ने रचा इतिहास। कुछ दिनों पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और केकेआर के बीच खेले गए मैच में आरसीबी के गेंदबाज सिराज को प्लेइंग 11 में जगह दी गई थी। हालांकि उन्होंने मैच में उतरते ही इतिहास रच दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरसीबी ने अपने प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव किए थे, जिसके तहत ही कप्तान कोहली ने मैदान में शहबाज अहमद की जगह पर मोहम्मद सिराज को जगह दी थी। हालांकि मोहम्मद सिराज ने भी उन्हें निराश नहीं किया। सिराज ने अपने पहले 3 ओवर में 2 मेडन ओवर फेंके। सिराज आईपीएल में लगातार 2 मेडन ओवर करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। सिराज ने अपने 4 ओवर में महज 8 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। ट्रू कॉलर ने अपने यूजर के लिए जारी किया नया फीचर। कॉलर आईडी बताने वाली मशहूर ऐप ट्रू कॉलर ने अपने यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए फीचर को लॉन्च कर दिया है। यह ऐप अब तक उन यूजर की जानकारी आपको देता आया है जिनका नाम आपके फोन में सेव नहीं है। वहीं अब इस नए ऐप में ने एक नया फीचर रोल किया है, जिसके तहत ट्रू कॉलर ने नए फीचर को रोल आउट किया है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्यों कॉल कर रहा है। ट्रू कॉलर ग्लोबली अपने यूजर के लिए कॉल रीजन, शेड्यूल, एसएमएस और एसएमएस ट्रांसलेशन सुविधाएं पेश कर रहा है। अभी सभी यूजर के लिए यह फीचर नहीं उपलब्ध करवाया गया है। इनमें से एक फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए है, लेकिन 2 फीचर एंड्रॉइड एक्सक्लूसिव है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह फीचर बहुत जल्दी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में लॉन्च हो जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,100 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,100 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। औरंगाबाद की धरती पर गरजे राजनाथ सिंह। बीते दिन औरंगाबाद के नवीन नगर विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए वोट मांगने भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, जहां मौके पर नवीन नगर के गांधी मैदान में एक विशाल सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बिहार के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं। बिहार ने हर क्षेत्र में देश का मान बढ़ाया है। इतना ही नहीं, इस मौके पर उन्होंने देश के सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति के बारे में भी जनता को बताया। उन्होंने कहा कि हमने अपने जवानों को यह आजादी दे रखी है, लेकिन हम लोग कभी शांति को भंग नहीं करेंगे। हम अपने दुश्मनों की हर कदम का मुंह तोड़ जवाब देना बखूबी जानते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जितेंद्र कुमार, आर्या, रंजीत कुमार, विनोद कुमार, गंगापाल, ब्रजकिशोर कुमार, संतोष कुमार, अमित कुमार, शंकर यादव, विकी कुमार, पीयूष सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भाजपा की तरफ से पूरे बिहारवासियों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाने के फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।